मध्य प्रदेश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। ताजा मामला इंदौर शहर से सामने आया है, जहां चोरों ने एक मोबाइल दुकान पर ढाबा बोल दिया है और 80 मोबाइल चुरा कर फरार हो गए। ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान संचालक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दरअसल ये वारदात शहर की लसूड़िया थाना क्षेत्र की है। इस मामले में डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि निरंजनपुर देवास नाके पर स्थित पूजा टेलीकॉम की दुकान पर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। दुकान संचालक विजय भदौरिया ने शिकायत दर्ज कराई है कि दुकान के शटर को तोड़कर चोर अलग अलग कंपनी के करीब 80 मोबाइल चुरा ले गए, जिसकी कीमत लाखों रुपए की आकी गई है। दुकान संचालक की माने तो ये बीती रात को दुकान बंद कर घर चले गए थे, लेकिन जब सुबह वह पहुंचते हैं तो उन्हें शटर टूटा हुआ मिला और मोबाइल गायब थे। सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो चोर वारदात को अंजाम देते हुए नजर आए। नकाबपोश और अलमारी में रखे मोबाइलों को एक बोरी में रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।